फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका असाइनमेंट का, मींस कि आपकी डिमांड थी कि जो असाइनमेंट है उनके आंसर आपको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, तो आज इसी का वीडियो लेके आई हूँ। आज हम सब्जेक्ट ले लेते हैं 506 समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना के अंतर्गत, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपको 3 असाइनमेंट बनाने हैं। 3 असाइनमेंट में 1 असाइनमेंट करने हैं, लिखने हैं आपको, जो कि 500 या 1000 शब्द में लिखने हैं। तो आज देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आपको दे रहे हैं, और PDF भी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां से जाके आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो का क्या करना है आपको पता है, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। विकास के विविध आयामों की व्याख्या कीजिए, या बच्चे की वृद्धि एवं विकास में परिवार, शिक्षक तथा जनसंचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा करना है, या फिर कारण लिखिए कि शिक्षक के लिए अनुवांशिकता एवं वातावरण के भूमिका को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। 500 शब्द में आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है उसको लिया है। आप ये सर्कल देख रहे हैं, एरो जो देख रहे हैं, इसीलिए मैंने लगा दिया है कि हम आपको इसका आंसर दे रहे हैं कि कारण लिखिए कि शिक्षक के लिए अनुवांशिकता एवं वातावरण के भूमिका को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर है, और इसीलिए मैंने PDF से लिया है। ये 2.7 का है, यूनिट जो आपका ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 2.7 देखिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप या तो इससे लिख लीजिए या फिर आप PDF जो है ना इसकी से ओपन कर लीजिए, क्योंकि सेम ही है, मैंने वहीं से कंटेंट लिया है। तो आंसर आप देख ही रहे हैं कि शिक्षक की और अनुवांशिकता और पर्यावरण की सापेक्षिक भूमिका का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वह अधिगम को अच्छी तरह समझने में अपने विद्यार्थियों की सहायता कर सके। स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है, ठीक है ना। शिक्षक को क्यों जरूरी है ये जानना कि जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसका अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में, ठीक है ना। तो इसीलिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो वो पढ़ा रहा है वो ताकि अच्छे से जो छात्र हैं उनको पढ़ा सके, उनकी हेल्प कर सके। दोनों कारकों का ज्ञान या तो गणित या अंग्रेजी के अधिगम में अपने विद्यार्थियों के बीच वैयक्तिक विभिन्नता का पता लगाने में शिक्षक की सहायता करेगा, यानी कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह का है, उसकी वैयक्तिक विभिन्नता, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र से अलग होता है। भले कुछ सिमिलरिटी उनमें हो सकती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी उनमें होते हैं, और साथ ही साथ उनकी शिक्षण विधियों और तकनीकों का सामंजस्य करने में, उसकी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, तकनीकें होती हैं उनको, ताकि वो यूज कर सके, जैसे प्रोजेक्ट विधि और संप्रेषणशील शिक्षण तकनीकें होती हैं जिनमें सहायता करती हैं, ठीक है ना। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे है आप देख लीजिए। और शिक्षक को बेहतर शिक्षा और बेहतर पर्यावरण प्रदान करने की योजना अवश्य करनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, ठीक है। प्रत्येक विषय में कंप्यूटर प्रयोगशाला और पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करें, ताकि बच्चे की उनकी योग्यताओं के साथ साथ उनके पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए जो उनके विकास के लिए, योजना बनाने के लिए आवश्यक है। फिर नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं आपका कि विद्यालय को बच्चे के पाठ सामग्री एवं पाठ्य गतिविधियां, जैसे क्विज और साहित्यिक प्रतियोगिताएं होती हैं, इन पे भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी ये सब तभी हो सकता है ना, उनकी अनुवांशिकता और पर्यावरण जब उनको ज्ञात हो, उनको पता हो कि बच्चे का जो अनुवांशिकता, जो वंशानुक्रम है वो क्या है, ठीक है ना। बच्चा अच्छा, वंशानुक्रम जानना क्यों जरूरी है अनुवांशिकता, तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा किस तरह का है, उसको किस टीचिंग मेथड की ज़रूरत है। बच्चा किसी चीज़ को जल्दी कैच कर लेता है या नहीं पकड़ लेता है, उसके माइंड में कोई चीज़ जल्दी आती है नहीं आती है, अनुवांशिकता के माध्यम से ही पता चल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो साधारण बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली, समान, औसत, विकलांग बच्चे जो होते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं, प्रथम पीढ़ी के जो अधिगमकर्ता होते हैं, तो ये शिक्षक के लिए बहुत हेल्प मिल जाती है बच्चों को समझ में अनुवांशिकता और पर्यावरण के माध्यम से। इसलिए शिक्षक के लिए अनुवांशिकता और पर्यावरण का ज्ञान होना बहुत अधिक अनिवार्य है। अब यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं कारक के क्यों जरूरी, जैसे अधिगमकर्ता की पृष्ठभूमि का पता लगाना, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर तो यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं, पहला देखा, ये दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, चौथा और पांचवे, 5 रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इनको भी लिख दीजिए, आपको 500 वर्ड में लिखना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसको पहले पढ़िए PDF को, इसमें कंटेंट देखिए कि क्या आपके लिए वेस्ट हो सकता है जो आपके 500 शब्दों में आ सकता है, और इसके बाद फिर आप इसको लिखना शुरू कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 500 शब्दों में आप 3 से 3.5 पेज कर सकते हैं। वो कॉपी के ऊपर अभी डिपेंड होता है, लाइन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने जो कॉपी जो स्टाइल लिया उसमें कितने लाइनें हैं, ठीक है। चलिए इसी यहाँ पे 8वां यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो तो देखिए हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी का है आपके असाइनमेंट का सत्र। असाइनमेंट अभी 1 चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप पहले असाइनमेंट भी ओपन कर लीजिए जो आपके पास है, उसमें से क्वेश्चंस को मिला लीजिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं कि क्या आप महसूस करते हैं कि हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव व्याप्त है, और अपने उत्तर के पक्ष में समुचित उदाहरण दीजिए, या फिर जेंडर निष्पक्ष समाज की रचना में परिवार, जनसंचार माध्यम तथा शिक्षक भूमिका की चर्चा कीजिए। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि क्या आप महसूस करते हैं कि हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव व्याप्त है, और अपने उत्तर के पक्ष में समुचित आपको उदाहरण देना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप जाएंगे, ये आपकी 4 जो ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है, उसमें 11.3 जो है इसमें आपको मिल जाएगा लैंगिक यानी जेंडर जो भेदभाव होते हैं। तो इसमें जाके PDF से भी आप देख सकते हैं। तो हम लड़के और लड़कियों के समान रूप का व्यवहार नहीं करते हैं, पुरुष और स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इस तरह से करके आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लड़की या स्त्री होना उनकी क्षमताओं को सीमित नहीं करता है, उसके बावजूद भी जीवन के कई क्षेत्रों में स्त्रियों को कार्य करने, भाग लेने के लिए अवसर नहीं दिए जाते हैं। अवसर ना प्रदान करना ही भेदभाव और पक्षपात की ओर इंगित करता है, और इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भेदभाव, लैंगिक भेदभाव क्या होता है, किन किन जगहों में होता है, आज का टाइम तो थोड़ा बदल गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पुराने टाइम में जाइए तो बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था गर्ल्स एंड बॉयज़ में। हर एक काम में होता था कि बॉयज़ के लिए था कि वो सब चीज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं, उनको बाहर निकलने के भी, पढ़ने के भी, हर एक चीज़ की मनाही होती थी। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप इनको ले सकते हैं, देख सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। वर्ड आपके वही रहेंगे 500 शब्दों में। उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। और फिर जेंडर भेदभाव लड़कों और पुरुषों को भी प्रभावित करता है, जैसे कि खेल का मैदान का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप चाहे तो इस चीज़ को भी ले सकते हैं। एक घर का भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे भाई बहन होते हैं इनमें भी भेदभाव किया जाता है, बॉयज़ को हर एक जगह जाने की परमिशन होती है, वो रात में किसी भी टाइम आ सकते हैं, उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन गर्ल्स के लिए तो बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, यदि मिलती भी है तो एक टाइम लिमिट जो है फिक्स कर दिया जाता है कि शाम को इवनिंग में इतने बजे लौट के आ जाना है, ठीक है ना, उसके पहले पहले शाम ढलने के पहले। बहुत सारी यही जेंडर है, यही जेंडर जो भेदभाव होता है, लिंग भेदभाव जिसे कहते हैं, गर्ल्स बॉयज में जो भेदभाव किया जाता है, यही चीजें हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। आंसर हमने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है, आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ा भेदभाव तो जन्म लेने के पहले ही कर दिया जाता है, कि अगर पता चलता है कि लड़की है और बॉयज नहीं है तो उसको दुनिया में ही आने नहीं दिया जाता। तो इससे बड़ा भेदभाव क्या हो सकता है, आप स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर शिक्षा के संबंध में, हर एक चीज़ में, खाने पीने में भी पहले बहुत भेदभाव किया जाता था, तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और आपको PDF में कहाँ मिलेगा, ये ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो 500 शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका जो 506 सब्जेक्ट है, इसमें से हमने आपका सिर्फ असाइनमेंट जो 1 है, क्योंकि 3 असाइनमेंट आपको करने हैं, तो 3 में से 1 असाइनमेंट जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसके आंसर आपको अवेलेबल करवा दे रही हूँ, और दोपहर तक में मैं फिर से आपको जो 506 का। तो फ्रेंड्स फिर से आपको बता दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आपके असाइनमेंट है सभी के आंसर हम लेके आएंगे। हम तो असाइनमेंट जल्दी जल्दी ला देंगे, लेकिन लिखने में तो आपको टाइम लगेगा, एक टाइम में आप एक असाइनमेंट लिख पाएंगे। तो जितने भी असाइनमेंट हैं सभी के आंसर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। अभी 506 ले लेते हैं, आज इसका जो जो असाइनमेंट है मैं इसके पूरे आंसर आपको अवेलेबल करवा दूंगी। वीडियो आप पूरा देखा करें, इसके बाद कमेंट्स किया करें। चलिए फिर वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।